हमारे पास आना हम करा के दे देते, वोट उनको डालते उन कुछ भी नहीं देते। इलेक्शन होने के बाद आपका गाड़ी करा देता हूँ। सर बहुत हमारे आपके भाई लोग से बहुत मेरे को वेलकम मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, बोल रहे हैं आज बहुत खुश हैं हम आप आए बोल के। वो सोचे कि हमने यहाँ क्यों नहीं आएंगे, हमारे लोग हैं, इधर भी आएंगे हम। सबको देखे एक बार, हमारे को भी देखो आगे आपके। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। कांग्रेस कौन से इस पे ऊपर वोट मांग रहे आपको मालूम है? मेरा वोट जो मांग रहा हूँ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मांग रहा हूँ, वो करके दिखाऊंगा। बगैर हार के एमएलए हार के 100 करोड़ रुपए ला के काम कराऊँ। ये अड़न नाका टू खरगे पंप तक सर्विस रोड का सैंक्शन हुए से कोड़ा कनेक्ट होने के बाद वो भी होगा। आपका हगर क्रॉस में स्काई वॉक बना रहा हूँ क्योंकि हमारे लोग औरत हमारे माँ बहन लोग रोड क्रॉस करने टाइम को एक्सीडेंट हो रहा बोल के। अब आपका चाय दुकान है, बहुत लोग आते हैं चाय पीने को, तो आपके बात तो सुनते होंगे बहुत ही लोग क्योंकि आपके चाय के फैन हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं भी आप ही का आदमी हूँ, मैं ही आपके जैसा ही हूँ, एक चांस इस बार मुझे भी देना चाहिए बोल के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों बोल के बोलना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस जेडीएस है, वो लोग वोट किस चीज़ पे मांग रहे हैं आपको मालूम है, मैंने बोलना चाहता हूँ उनके बारे में। मैं किस चीज़ पे मांग रहा हूँ बोलते हो आपको, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो दो काम मैं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी करा हूँ, ऑलरेडी मेरे कई एग्जाम्पल्स है। हागर का क्रॉस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले वो नाली का था, सबको इतना परेशान थे, आपके कांग्रेस वाले कभी नहीं करते, कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। मैं कर कर वो सीधा बना के दे रही आपको। ऑलरेडी मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी जब गवर्नमेंट थे बसराज बोम्मई जी के परमिशन लेके मेरे लेटर हेड में मैं सैंक्शन करा के लाया हूँ अलंद नाका टू खरगे पंप, तो उसमें बीच में हागर आएगा, कपनूर आएगा, ये पूरे आके सर्विस रोड बनेगा। सर्विस रोड बना तो हमारा आपका ये जो हागर का में कंजेंशन हो रहा है कम होगा। उसके बाद ऑलरेडी मैं लेटर दिया हूँ, स्काई वॉक करना है हागर का क्रॉस में, उससे सिग्नल है ना स्काई वॉक बोले तो, उस एंड से चल के ऊपर जाना, कोई नीचे नहीं चलना। आपके भाई बेटे को एमएलए बनाओ बोले तो 100% गारंटी देता हूँ, एक फ्लाईओवर बना के दिखाऊंगा आपको ये हागर का क्रॉस में बोल के रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका देना जरूरी है, वोट फॉर चेंज बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा चाहिए सर। तो मुझे किधर भी जाना हो सर, बहुत हमारे आपके भाई लोग से बहुत मेरे को वेलकम मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, बोल रहे हैं आज बहुत खुश हैं हम आप आए बोल के। वो सोचे कि हमने यहाँ क्यों नहीं आएंगे, हमारे लोग हैं, किधर भी आएंगे हम, सब लेके चलना है। 32 वार्ड है हमारे पूरे, सबको लेके चलूँगा, कितने भी हिंदू मुस्लिम भाई है, बहन है, माँ है, सबको साथ लेके चलूँगा। आपको एक भी मौका नहीं दूंगा मैं ये गलत कराऊँ बोल के, किसी को फेवर कराऊँ बोल के, किसके में प्रॉब्लम क्रिएट करा बोल के। उतना मेरा एज अ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैं भी लास्ट टाइम इलेक्शन में ठहरा था, कोई ही रीज़न से आप मुझे शायद वोट नहीं डाले होंगे। इस बार रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को एक चांस दीजिए फॉर ओनली एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरे के तरह हमारे को ये वो बातें करना नहीं आता है, हम करेंगे भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट कराऊंगा, डेवलपमेंट करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। 32 वार्ड है, 32 वार्ड को इक्वली डेवलपमेंट करूंगा। 32 वार्ड में जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं उनको साथ मिलके उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं काम करूंगा। किधर भी आप मेरे को कौन सा ऑफिस आओ बोलते मैं आऊँगा। 24/7 अवेलेबल वाला हूँ। ऑलरेडी बगैर एमएलए 100 करोड़ रुपीस ला के काम कराऊँ बगैर एमएलए, तो आप सोचिए आपका भाई एमएलए बना बोले तो साल को 250 करोड़ रुपए ला के काम करेंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे बोल के बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ सर एक बार, तो आपके लिए मैं अपील करने आया हूँ, डेमोक्रेसी है, एक चांस हमारे को भी देना है। आप देखें मेरे को, मेरे बारे में जो वीडियो में जो कमेंट्स में देते हैं वो छोड़ दीजिए, असली में आया हूँ, असली में मिलूँगा, असली में आपका काम करूँगा, असली में आप सबको लेकर जाऊँगा, सबका साथ सबका विकास विश्वास, ये डायलॉग बाजी नहीं बोल रहा हूँ, करके दिखाऊँगा। 5 साल में मेरे तरफ से किसी एक जन को प्रॉब्लम हुआ क्या बोलो?
वो हमारे सोशल मीडिया और कमेंट्स छोड़ के आप मेरे को देखिए सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं। अब कांग्रेस को कुछ भी नहीं बचा, क्या करते, चील उड़ी तो भैंस उड़ी, उतना ही कर रहे। आपका काम करूंगा सर, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए मेरे को। ओके, यस, थैंक यू। सबको देखे एक बार, हमारे को भी देखो, इंशाल्लाह भाई आगे आपके हाथ में रहते हैं डिसीजन का। सही है, हमारे भतीजे वगैरह हैं, सब करते हैं इंशाल्लाह। एक हमारा अपील है सर, अरे हाथ लगाओ सर, एक रिक्वेस्ट है सर। लास्ट टाइम भी मैं कंटेस्ट करा था, चांस नहीं मिला, इस बार एक चांस दीजिए। कांग्रेस कौन से इस पे ऊपर वोट मांग रहे हैं आपको मालूम है, मेरा वोट जो मांग रहा हूँ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मांग रहा हूँ, वो करके दिखाऊंगा। बगैर हार के एमएलए हार के 100 करोड़ रुपये ला के काम कराऊँ। ये अड़म नाका टू खरगे पंप तक सर्विस रोड का सैंक्शन हुए से कूड़ा कनेक्ट होने के बाद वो भी होगा। आपका हगर क्रॉस में स्काई वॉक बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोग औरत हमारे माँ बहन लोग रोड क्रॉस करने टाइम को एक्सीडेंट हो रहा बोल के, आपके भाई बेटे को एमएलए बनाओ, बनाए तो 100% हगर क्रॉस से फ्लाई ओवर निकलेगा, उतना गारंटी देता हूँ। किधर जाना है, फिर कभी सुने हम बोलते रहते हैं हमारे रब साहब। सर एक रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम भी मैं कंटेस्ट कर रहा था, इस बार एक चांस दीजिए। चांस लोग किस पे मांग रहे मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट पे मांग रहा हूँ। और आपको एक भरोसा देता हूँ, मैं सबके साथ रहूँगा, पूरे 32 वार्ड को लेके चलूँगा, पूरे हिंदू मुस्लिम भाई बहन को एक समान लेके चलूँगा बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बार कंसिडर करिए सर प्लीज़। थैंक यू। कारीगरी का दाग देता हूँ मैं, हार्ड वर्क इसके जैसे हार्ड वर्क किसका भी नहीं है, टैलेंट का वर्क है। आई रियली अप्रिशिएट एंड सैल्यूट योर हार्ड वर्क सर, मुझे मालूम है, बिकॉज़ आई हैव अ फ्रेंड इन बैंगलोर जो काम करता है। यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ टैलेंट फॉर दैट सर। वो थोड़ा पकड़िए, आपको एक अपील करता हूँ सर, लास्ट टाइम भी मैं कंटेस्ट करा था, शायद वोट नहीं मिला, हारा में, इस बार चांस दीजिए। मैं सिर्फ वोट एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट पे पूछ रहा हूँ, पूरे पूरे गुलबर्गा के हमारे कितने भी वोटर्स है पूरे कम्युनिटी के लेके चलूंगा, मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। क्या सर, ये हमारा जैसा डायरेक्ट सेंटर। ओके ओके सर, आप इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे। यस सर, आइए सर। हाँ करा था कोई कारण हार गया मैं, पर हारा बोल के मैं कभी नाराज नहीं हुआ सर। इस बार मेरे को एक चांस दीजिए। क्यों चांस दीजिए रहे बोल रहा हूँ, मेरे को डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं बगैर एक एमएलए रहे सो 100 करोड़ रुपये फंड ला के पूरा काम कराऊँ। एक हॉस्पिटल आया हूँ सर, वो हॉस्पिटल 100 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, वो शेख रेजो में है। शेख रेजो में हमारे मुस्लिम और हमारे हिंदू बहना लोग को डिलीवरी टाइम को आने के लिए, उनके बच्चे बीमार है बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आना, वहाँ आने के लिए 4.5-5 किलोमीटर लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच के वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया हूँ, रेडी है। कोड ऑफ कंडक्ट वजह से नहीं हो पाया, एक इलेक्शन के बाद ओपनिंग होगा, डायरेक्टली हमारे सभी लोगों को हेल्प होगा। तो एक एमएलए नहीं रहूं, एक हॉस्पिटल बना सकता हूं बोले तो आप सोचिए सर मैं क्या कर सकता हूं। यस सर, इंशाल्लाह। सर कांग्रेस वाले के पास कुछ भी एजेंडा नहीं है सर, मेरे बारे में जो सोशल मीडिया और जो बेंच के अंदर कमेंट करते उसको बिलीव मत करिए, उनका काम है चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोल के बोलने का। आप मेरे को फर्स्ट टाइम मिले, आप देखिए मैं ऐसा ही रहूंगा, आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। आपको लेकर चलो, हम आपके बारे में सुने। ओके, स्पेंड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सबको लेके चलूंगा। 32 वार्ड आते हैं, पूरे 32 वार्ड को डेवलपमेंट करूंगा। 32 वार्ड में कितने भी हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं सबको लेके चलूंगा, किसी को नाराज नहीं करूंगा। 400 वोट चांस दीजिए सर। थैंक यू सर। टू व्हीलर मिला आपको? टू व्हीलर मिला क्या? नहीं। तो क्या भाई, हमारे पास आना हम करा के दे देते, वोट उनको डालते उन कुछ भी नहीं देते, हमारे को वोट नहीं डालते हम करते हैं बोलते हैं, ये क्या बात हुआ? आप आइए सर, मैं कराऊंगा। नहीं बैठो बैठो, आप आइए सर, इलेक्शन होने के बाद क्या भी रहने दो, इलेक्शन होने के बाद आप आइए, आपका गाड़ी करा देता हूँ मैं। आज आप देख सकते हैं हागर का क्रॉस पे हम कैनवेसिंग के लिए आए हुए हैं, हमारे माइनॉरिटी अध्यक्ष अब्दुल रब साहब, माली पाटिल साहब, जफर साहब, गोला साहब, हमारे आदिल, सुबूर, सभी जो मिल के आज हम कैनवसिंग स्टार्ट करे हुए तो सभी को मिला हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को। हागर का क्रॉस में 2019 उमेश यादव एमपी बनने के बाद मैं उनको यहाँ लाया था, एक बहुत बड़ा समस्या था, नाली फूट के बहुत गटर का पूरे पर ड्रेनेज का यहाँ हो रहा था, तो हम लड़के उसको बनाए हुए।
आगे आने वाले दिन में मैं ऑलरेडी मेरे लेटरहेड पे भारतीय जनता पार्टी लेटरहेड पे मेरा क्रेडिट चेयरमैन क्रेडिट लेटर पे मैं सैंक्शन करा चुका हूँ फ्रॉम आनंद नाका टू खरगे पंप वाया पूरा ही हमारा जो रिंग रोड है कपनोर हगरगा क्रॉस सर्विस रोड के लिए ऑलरेडी आधा रोड वहाँ से चालू हो गए से है। इलेक्शन होने के बाद 100% ये सर्विस रोड ठीक हो जाएगा। ये सर्विस रोड पे लोग सर्विस रोड यूज़ कर सकते हैं और ऑलरेडी मेरा एक एप्लीकेशन डाला हूँ गवर्नमेंट को स्काई वॉक हागर का क्रॉस में जो लेडीज जेंट्स बच्चे जो चल नहीं सक रहे एक्सीडेंट्स हो रहे उसके लिए मैं ऑलरेडी फ्लाई स्काई वॉक बनाने के लिए और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शायद वो भी सैंक्शन हो जाएगा आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट। एंड पूरा आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ एक चांस आपके भाई आपके बेटे को दीजिए 100% MLA बना तो फ्लाई ओवर हागर के ऊपर से फ्लाई ओवर निकालूंगा बोल के आपको भरोसा दिला देता हूँ। और आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कहीं भी जा रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं दो चीज़ पे वोट मांग रहा हूँ एक है एम्प्लॉयमेंट एंड एक है डेवलपमेंट। एंड मेरे 100% भरोसा देता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 32 वार्ड आते पूरे 32 वार्ड को डेवलपमेंट करूँगा। पूरे 32 वार्ड में कितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं उनको सबको लेकर चलूँगा उनके लिए काम करूँगा 24/7 अवेलेबल रहूँगा मैं। आप कभी भी आवाज़ दो मैं आपके लिए आऊँगा और एक बार भरोसा देना चाहता किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगा। और जो आज मेरे को मिल रहे सभी तरफ मेरे को सम्मान कर रहे हैं मेरे साथ फ़ोटो निकाल रहे मेरे को बोल रहे बहुत खुशी हुआ आपको मिलके। तो जो मेरे सोशल मीडिया के पीछे बैठ के जो मेरे फेक वीडियोस बनाते जो बैठ के दिन रात मेरे बारे में कमेंट करते हैं उनको बोलना चाहता हूँ कितना भी आप चाहिए मेरे ऊपर कीचड़ उछालो कितना भी चाहिए मेरे ऊपर कीचड़ उछालो इस बार सभी के दिल में उत्तर भारत क्षेत्र में कमल खिलाना बोल के कमल खिलाना डिसीजन लिए से है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपके भाई को भी एक बार मौका दीजिए डेमोक्रेसी में सबको एक चांस मिला आगे काम नहीं करा बोले तो आप ही निकाल सकते हैं। और एक बार आपको भरोसा दे रहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करूंगा ये डायलॉग बाजी नहीं बोलूंगा करके दिखाऊंगा बोला चाहता हूँ। आपके मैनिफेस्टो में और क्या क्या चीजें क्योंकि हर किसी से आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उम्मीद लगा रहे हैं आपसे हम देख रहे हैं आपके इस कैंपेन में मैनिफेस्टो में और क्या क्या चीजें आप लोगों ने रतोबत की है सर। वो मैनिफेस्टो में हमने पूरे चीज़ जो काम करे जो करने वाले उनको डालो सो है। तो मेरे बहुत जब मैं दुकान पे गया था वो बोले इसको इंग्लिश में करके दो हमारे को तकलीफ हो रहा कन्नड़ा पढ़ने में तो आज प्रिंटिंग होके कल आएगा डिटेल आपको इंग्लिश में दूंगा आपको थोड़ा बहुत चार पाँच सर आपको बताना चाहता हूँ एक ही पॉइंट बताऊँगा सर। लास्ट टाइम जब मैं कंटेस्ट कर रहा था तो लोग और कांग्रेस दूसरे एजेंडा को मेरे को हराने के लिए डिस्कशन कर रहे थे वो लोग तब मैं बोला था मैं अगर MLA बना बोले तो कलबुर्गी के लिए एक फैक्ट्री लेकर आऊँगा जिसमें 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिवंगत आनंद कुमार साहब मंत्री थे वो गुजर गए उन्होंने प्रॉमिस किया था एक सभा में उन्होंने बोला था चंदू पाटिल और अपू गौड़ा जाओ मैं यहाँ फर्टिलाइजर फैक्ट्री दूंगा कुछ कारण उन गुजर गए तो फैक्ट्री धारोड़ को गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ उस संदर्भ में अगर आपका भाई आपका बेटा MLA रहता तो मैं विधानसभा के सामने बैठ के सत्याग्रह करता था मेरा देता वो फैक्ट्री किधर जाने नहीं देता था गुलबर्गा लाता हूँ बोल के भरोसा दिलाता हूँ। तो जब मेरा यही एजेंडा था 2018 जब प्रधानमंत्री गुलबर्गा को आए थे कैंपेन के लिए मैं भाषण में भी बोला था मेरा एक ही एजेंडा है डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयमेंट करना है एक दो तीन फैक्ट्री लाना है गुलबर्गा के लिए। तो आप देख सकते हैं 15 दिन पीछे नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कलबुर्गी को टेक्सटाइल पार्क दे रहे वो टेक्सटाइल पार्क से 50,000 लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा 25,000 लोगों को इंडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं तो मैं एक आवाज़ निकाला था 2018 में तो वो हो रहा है इस बार MLA बनाऊंगा बोले तो दूसरे बड़े कंपनी को लेकर आके हमारे जो मतदार है भाई बहन को उनको नौकरी दिलाने का काम करूँगा बोल सकता हूँ।